देखिए योगी और फकीर की तरह ये साइकिल चलाने वाला अखिलेश यादव जी का दीवाना है और मैं अखिलेश यादव जी का फैन हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे कोई गम नहीं है, ये साइकिल इसी तरह निरंतर चलती रहेगी। अच्छा अच्छा। कंटिन्यूअस ये 2 साल से लगातार चल रही है साइकिल। मोदी जी को अपना झोला उठा करके जो कहे थे मैं झोला उठाकर फकीर हूँ चल दूंगा, उसको जाना पड़ेगा। नौजवान जिस तरह से आज सड़क पर साड़ घूम रहे हैं उसी तरह नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। अच्छा, साड़ घूम रहे हैं जी, जैसे साड़ घूम रहे हैं मोदी योगी जी की उसी तरह से नौजवान जो बेरोजगार कर दी सरकार वो भी सड़क पर घूम रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कन्हैया निषाद है जी। मैं समाजवादी पार्टी का कल ये तो एक तरह से स्टार प्रचारक भी हूँ जी। एक बार फिर पुनः स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आज हम आपके आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति को और जिन्होंने देखिए किस तरह से झंडा लगाया हुआ है और इन्होंने बोर्ड लिखवाया है अखिलेश यादव जी निषाद समाजवाद जनसेवा परिवर्तन साइकिल यात्रा मिशन 2024। आप सामने देख सकते हैं विधानसभा आटा कुशी नगर उत्तर प्रदेश का नया निशान। मोबाइल नंबर भी इन्होंने डाला है। अब इसका क्या मकसद है, ये यात्रा कहां से कहां तक ले जाएंगे और इस यात्री का क्या मकसद है जानने का प्रयास करेंगे इनसे और क्या इनका उद्देश्य है। तो ऐसे में आज अखिलेश यादव जी भी फतेहपुर जाने वाले हैं। ये मेन गोरखपुर और देवरिया हाईवे है ये, और इसी रास्ते से होते हुए फतेहपुर जाने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कन्हैया निषाद है जी। मैं समाजवादी पार्टी का कह लीजिए तो एक तरह से स्टार प्रचारक भी हूँ जी। ये हमारी साइकिल पूरे उत्तर प्रदेश में चलती है जी। जहाँ भी बाई इलेक्शन होते हैं या राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, चाहे वो आगरा का रहा हो, लखनऊ का रहा हो, मैनपुरी का बाई इलेक्शन रहा हो, अभी देखिए यहाँ दिखा दीजिए दर्शकों को, घोसी में उपचुनाव में गया था। अच्छा अच्छा। और घोसी में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो ये बताइए घोसी में ये साइकिल सीख गए जी? मैं घोसी क्या, मैं बता दूँ आपको, मैं 2500 किलोमीटर आना जाना मेरा हो गया था मैनपुरी उपचुनाव में। अच्छा अच्छा। कुशीनगर से 700 किलोमीटर दूर है मैनपुरी जी जी। और मुझे 700 किलोमीटर गया था और 700 किलोमीटर वापस आया था जी। और लगभग 800-900 किलोमीटर मैं 5 विधानसभा में चला। अच्छा, तो राष्ट्रीय का खर्च आप कैसे मैनेज करते होंगे? राष्ट्रीय के खर्च देखिए अखिलेश यादव जी के लाखों सिपाही हैं जी, और मैं जो है कि हमारे बहुत से फैंस फॉलोअर्स हैं। हाँ हाँ। वो रास्ते में मुझे लोग इंतजार भी करते हैं, वो लोग खाना खिला देते हैं, रात हो जाती है तो मैं अपने पैसे से खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा। ढाबा वाले ही खिला देते हैं। देखिए योगी और फकीर की तरह ये साइकिल चलाने वाला अखिलेश यादव जी का दीवाना है और मैं अखिलेश यादव जी का फैन हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे कोई गम नहीं है, ये साइकिल इसी तरह निरंतर चलती रहेगी। अच्छा अच्छा। कंटिन्यूअस ये 2 साल से लगातार चल रही है साइकिल। अच्छा, ये बताइए आपको कभी मौका मिला अखिलेश यादव जी से मिलने का? जी, मैं अखिलेश यादव जी से कई बार मिल चुका हूँ। हाँ हाँ। आदरणीय डिंपल भाभी से भी मिला हूँ जी जी। महासचिव शिवपाल यादव जी हैं, क्या जितने बड़े और छोटे कार्यकर्ता हैं सबसे हमारी मुलाकात है। अच्छा, आज तो आ रहे हैं ना फतेहपुर में, जा रहे हैं माननीय अखिलेश जी जो पूरा मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे फतेहपुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए फतेहपुर प्रशासन की लापरवाही से निर्मम हत्या हुई है जी, और भाजपा सरकार इसे जात वर्ग में बांटना चाहती है। अच्छा अच्छा। देखिए पहले यादव जी का हत्या हुआ जी जी, फिर जो है कि आक्रोशित भीड़ ने उनके ब्राह्मण परिवार का हत्या उसी में हो गया। अभी तक प्रशासन हत्यारे का पता नहीं चला पाई, वो फोन नहीं कर पता नहीं चला पाई कि कौन यादव जी के पास फोन किया था। अच्छा अच्छा। तो अभी शासन के तरफ से सरकार की तरफ से कोई वहाँ नहीं पहुँचा है। अच्छा। लेकिन विपक्ष के नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी। हाँ। वहाँ जा रहे हैं। अच्छा। और दोनों परिवारों से मिलेंगे। हाँ। शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और जहाँ तक आर्थिक या उनका मदद होगा वो करेंगे। अच्छा, आप भी वहाँ पर गए थे कि मतलब? जी, मैं वहाँ नहीं गया था। अच्छा। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आपकी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म होने वाली है? देखिए ये खत्म तो नहीं होगी। अच्छा, ये खत्म 24 तक चलेगी, उसके बाद फिर 27 के लिए भी चलती रहेगी। अच्छा। मैं मध्य प्रदेश भी कल निकलूंगा यहाँ से जी। मध्य प्रदेश में जो
विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, भाजपा का सफाया होने जा रहा है। अच्छा अच्छा। पूरे देश से हाँ। देख लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जनता जागरूक हो गई है और जो हमारे नौजवान हैं वो मोदी जी के बातों में आकर के जुमलेबाजी में कहे तो फंस गए थे। अच्छा। नौजवान जिस तरह से आज सड़क पर साड़ घूम रहे हैं उसी तरह नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। अच्छा, साड़ घूम रहे हैं जी, जैसे साड़ घूम रहे हैं मोदी योगी जी की, उसी तरह से नौजवान जो बेरोजगार कर दी सरकार वो भी सड़क पर घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ जो है कि संदेश जाएगा पूरे देश में, घोसी का जो उपचुनाव हुआ मैं वहाँ कह करके आया था कि यह उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, यह पूरा प्रदेश और देश में संदेश जाएगा और भाजपा का पतन का रास्ता बनेगा। ऐतिहासिक जीत हुई, 50,000 वोट से अंतर से समाजवादी पार्टी ने वहाँ जीत दर्ज की। देखिएगा 2024 में गैर भाजपा सरकार बनेगी और मोदी जी को अपना झोला उठा करके जो कहे थे मैं झोला उठाकर फकीर हूँ चल दूंगा, उनको जाना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही मेहनत करते हैं, साइकिल से बड़ी लंबी दूरी करते हैं, मध्य प्रदेश से पूरा, मतलब आप देखिए इसी साइकिल से जो है साथ साथ 1,000 किलोमीटर चला करते हैं और समाजवादी पार्टी का जो है झंडा लगाए हुए उनका प्रचार भी करते रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए समाजवादी एक्सप्रेस, मतलब आप देखिए, मतलब बहुत ही शानदार लफ्जों में लिखाया है, कुशीनगर से जो है कि शायद, और देखिए यहाँ पर इनका पंप भी है और आपकी पंचर हो जाती है साइकिल तो कहाँ बनवाते हैं? देखिए खुद रखे हुए हैं कि खुद सब अपनी व्यवस्था है। अच्छा अच्छा। हम लोग समाजवादी हैं, सड़क पर चलते हैं हाँ। तो किसी का हम लोग इंतजार नहीं करते हैं, अपनी व्यवस्था रखते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे माननीय अखिलेश जी जब सरकार बनाए थे हाँ। तो देखे थे आप गरीबों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी योजनाएं चलाई। अच्छा अच्छा। आप देख लीजिए समाज में जो दबे कुचले लोग थे जिनका उत्पीड़न होता था, जमीन कब्जा हो जाता था हाँ। कोई उनके जमीन में घर बना लेता था तो कोई थाने पर जाता था, थानेदार आते ही रह जाते थे। लेकिन इन्होंने डायल 100 चलाया, तुरंत 15 मिनट में वो आ जाते हैं और उनके द्वारा बहुत से रोजगार। अच्छा, आपको क्या लगता है ये अगर अखिलेश सरकार आती है तो क्या युवाओं को फिर नौकरी मिलेगी? सारे युवा खोज रहे हैं कि हमारे भैया जी को लाना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। और उम्मीद रह गए अखिलेश यादव जी। अच्छा अच्छा। 7 साल देखिए योगी जी को हो गया, जहाँ 100 लोग काम करते थे आज प्राइवेट सेक्टर कर दिया उन्होंने योगी और मोदी ने, आज 10 लोग काम कर रहे हैं, 90 लोग बेरोजगार हो गए, पटरी व्यवसाय बिल्कुल उनकी व्यवस्था ध्वस्त हो गई और तमाम छोटे से बड़े जो उद्योग थे GST लगा कर इन्होंने कल कारखाने को बंद कर दिया और इतनी जो है कि समस्या हो गई है इस देश में। समस्या को हल करने के लिए जो हमारा इंडिया अलायंस बना है जिसमें देखिए राहुल गांधी भी आजकल बहुत बड़े सितारे हो गए हैं और वो मोदी को फेल कर चुके हैं। 4,000 किलोमीटर वो पैदल यात्रा कर दिए और उसी की नौबत है, उन्होंने जो है कि हिमाचल में सरकार बना लिया और कर्नाटक में बना लिया और मोदी जी है कहाँ? उनका खात्मा हो गया। मोदी जी 2 से 3 सीटें बंगाल में नहीं पाएंगे, 2 से 4 सीटें जो है कि बिहार में रह जाएंगे, यूपी में यहाँ जो है कि बहुत मेहनत करेंगे तो 20 से 30 सीट लेंगे, समाजवादी यहाँ 40 से 50 सीट निकाल रहे हैं, तो कहाँ से वो सरकार बनाएंगे? बहुत ही शानदार सा नज़ारा हमने आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी के बहुत ही दमदार सिपाही कहा जा सकता है और ये जज्बा ये जुनून पता नहीं कहाँ ले जाएगा इनको। अगर आपको मोटरसाइकिल मिल जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए? मोटरसाइकिल को मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। अच्छा, अच्छा। नेताजी कहते थे, बड़े बड़े डॉक्टर और वकील कहते हैं कि साइकिलिंग किया करिए। अच्छा। एक तो देश प्रदूषण से बचेगा और दूसरे शरीर स्वस्थ होगा और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। देखिए जिसका मन स्वस्थ होता है वो बढ़िया काम करता है। बहुत ही शानदार जवाब, लेकिन ये चलेंगे साइकिल से ही और पूरे भारत में समाजवादी पार्टी का ये परचम लहराएंगे इसी साइकिल के द्वारा, तो देखिए हो चुकी है और इसी से लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, तो ऐसे जज्बे को सलाम है और एक तरफ देखिए भारत का झंडा भी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का झंडा है। तो हमने आपको एक ऐसे सिपाही से बात कराई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी जो ये इच्छा है आगे तक पहुँच सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अंदाज एक नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।